हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हो गई 20 सितंबर और आज जो कुमार गौरव सर ने करंट अफेयर की क्लास करवाई है वो हम लोग करेंगे करीब 11 क्वेश्चन से। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है और हम लोग 19 सितंबर का भी रिवीजन करेंगे। इससे आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। 2 घंटे की क्लास का आपका 10 से 15 मिनट में हो जाएगी और आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस राजनयिक को निष्कासित किया है? तो ये अभी कनाडा के जो थे राजनयिक, इनको अभी निष्कासित कर दिया। वो भी 5 दिन का समय दिया है कि आप यहाँ से 5 दिन के अंदर चले जाइए। किस वजह से किया है कि कनाडा में जो भी हरदीप सिंह निज्जर थे, ये जो है एक खालिस्तानी समर्थक के, ठीक है, इनकी हत्या हो गई है। तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इनकी सदस्यता जो है कनाडा की थी। तो जस्टिन ट्रूडो जो है वहाँ के पीएम, इन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने करवाया है। और भारत ने जो है, भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने जो है 2020 को ही निर्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया था और इनसे कहा भी गया था कि आप इसे दे दीजिए, पर इन लोगों ने नहीं सुना और किसी वजह से इनकी हत्या हो गई, किसी ने कर दिया और इन्होंने आरोप लगा दिया भारत पर और वहाँ से भारत के जो राजनयिक हैं उनको निकाल दिया कनाडा सरकार ने। तो भारत ने भी कहा भाई टिट फॉर टैट तो करना ही था, तो भारत ने भी इनके राजनयिक को कह दिया कि आप यहाँ से चले जाइए। अब हम लोग, ये है निज़र। अब हम लोग कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा की राजधानी वो है ओटावा। सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला देश जो है वो कनाडा है। पीएम यहाँ के जस्टिन ट्रूडो हैं और यहाँ पे जो है गेहूँ की सबसे बड़ी मंडी लगती है विनिपेग में, वो कनाडा में ही है। दूसरा क्वेश्चन है, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है तो उसके तहत जो है 33% सीट का जो है प्रावधान किया गया है लोकसभा में और राज्य विधानसभा में और दिल्ली में, ठीक है, इसमें ही 33% सीट दी जाएगी। क्या है, पीएम ने नारी शक्ति वंदन का अभी प्रावधान किया है, इसको जो है 15 साल के लिए लागू किया जाएगा और उसके बाद इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसमें अभी नई संसद में फर्स्ट दिन में जो है 19 सितंबर को इसकी बैठक हुई है। वहाँ पर जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने ही लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है, वो यही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये प्रभावी तभी होगा, ये मतलब 2024 में तो प्रभावी नहीं होने वाला है, परिसीमन जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही ये प्रभावी होगा। इसका जो परिसीमन का जो उल्लेख दिया गया है वो आर्टिकल 82 में दिया गया है। अब तक जो परिसीमन हो चुका है वो 4 बार हो चुका है, 1952, 1962 और 2002 में। ये सब नहीं याद रखना है, बस ये ध्यान रखना कि अभी तक परिसीमन 4 बार हो चुका है। नेक्स्ट अभी जो 2026 में होगा उसमें संभावित है कि ये हो सके और इलेक्शन 2029 में ये लागू होने की संभावना पूरी की पूरी है। ये है अर्जुन राम जो कि कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट है 108वां संविधान संशोधन जो है, ये बिल जो है 2008 में ही पेश किया गया था लेकिन वहाँ उस टाइम पे लोकसभा का विघटन हो गया था तो इसको समाप्त कर दिया गया था। अब हम लोग कुछ जो संशोधन है उनके बारे में देख लेते हैं कि संशोधन किस भाग में है, किस आर्टिकल में, कहाँ से लिया गया है। जो संविधान संशोधन है वो 20वें भाग में है, भाग 20 में है। आर्टिकल कौन सा है, 368 है। देश किस देश से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसको जो शक्ति प्राप्त है वो संसद को प्राप्त है संविधान संशोधन की। जो केशवन भारती केस 24 अप्रैल 1973 में हुआ था उसमें कहा गया था और ये भी कहा गया था कि ये जो है संसद मूलभूत ढांचा जो है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। अभी तक कितने बिल आ चुके हैं, वो 128 पेश किए जा चुके हैं और पास हुए हैं सिर्फ 105 और ये जो आया है ये 128वां ही है, जैसे लिखा हुआ है। कौन सा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इससे पहले इसको लाया जा चुका था 2008 में जो कि लोकसभा का विघटन हो गया था तो नहीं आ पाया था। नेक्स्ट जो 105वां संविधान संशोधन हुए हैं संविधान संशोधन, उसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं जो पास हो चुके हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें जो पहला है संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जिसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है 300A में भेज दिया गया था, मतलब डाल दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन
जो कि 1989 में हुआ। इसमें जो वोट करने की उम्र थी वो 21 से 18 कर दी गई। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो है मंत्रिपरिषद का आकार जो होगा वो लोकसभा के कुल सदस्य का 15% होगा, और ये कब हुआ था, 2003 में हुआ था। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यहाँ पर लिखना भूल के 99 है, इसमें क्या NJAC का प्रावधान था, ये एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 101वें संविधान संशोधन से GST का प्रावधान आया था और ये 2017 से लागू की गई। 103वें संविधान संशोधन से EWS का प्रावधान था जिसमें 10% का आरक्षण दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो ये हम लोग कल कर चुके हैं, 41, 42, अभी दो शामिल किए गए हैं। तो इसमें जो 42वां है वो होयसल मंदिर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति जो हुई है उसकी 45वीं बैठक वो रियाद में हुई है सऊदी अरब में। तो उसमें जो 41वां शामिल किया गया वो भारत का ये शांति निकेतन, 1901 में शांति निकेतन को शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी कलकत्ता में, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और ये जो है विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज भी है शांति निकेतन। अगर पूछता है कि विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है तो वो शांति निकेतन है। 42वीं जो शामिल किए जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो है होयसल मंदिर समूह। समूह मतलब इसमें दो तीन मंदिर शामिल हैं, मतलब तीन मंदिर इसमें शामिल हैं। पहला है वेलूर में, सेकंड है हलेबिदु जो कि होयसल साम्राज्य की राजधानी भी थी, और तीसरा है सोमनाथपुर। इससे पहले जो कर्नाटक के शामिल हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर में वो हम्पी है, पश्चिमी घाट है, और ये जो पट्टाडकल मंदिर है, ये तीनों शामिल हैं। उसके बाद अभी ये 42वां शामिल किया गया है होयसल मंदिर समूह। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट जो संरक्षण है उसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो माधव गडगिल जो समिति है ये समिति बनाई गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार तो इसको अच्छे से याद कर लेना। चौथा क्वेश्चन है, G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो G20 फ्रेमवर्क की अंतिम बैठक, अंतिम यानी चौथी बैठक जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई है, 18 से 19 सितंबर के बीच। फोर्थ नंबर की शेरपा बैठक कहाँ हुई है? तो वो नूह जो हरियाणा है वहाँ पे हुई है। G20 के बारे में जान लेते हैं, इसकी जो G20 G21 कब बना, तो 2023 में भारत अध्यक्षता कर रहा था, इसमें जो अफ्रीकन यूनियन है उसको शामिल कर लिया गया है, इसमें G21 बन गया है। अब ये इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें जो G20 थे उसमें 19 देश और EU संगठन था, इसलिए 20 बोला जाता था। अब एक और संगठन शामिल हो गया अफ्रीकन यूनियन, इसलिए 21 बोला जाने लगा है। ट्रायका क्या है? ट्रायका जो है तीन देश आते हैं जो अध्यक्षता कर चुका है और जो कर रहा है वर्तमान में, जो करने वाला है, इन तीनों को मिलाकर हम लोग ट्रायका बोलते हैं। तो 2022 में जो है इंडोनेशिया कर चुका है जो कि 17वीं थी, 2023 में भारत कर रहा है जो कि 18वीं है, और 2024 में ब्राज़ील करेगा जो कि 19वीं होगी। इन तीनों को ही मिला के हम लोग ट्रायका बोलेंगे। और इस बार जो G20 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। और ये कहाँ से लिया गया वसुधैव कुटुंबकम? तो ये महाउपनिषद से लिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये ऑपरेशन सजग जो है उसका जो है आयोजन किया गया है, वो ऑपरेशन सजग का होस्ट कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड है भारतीय तटरक्षक, इसके जो हेड हैं राकेश पॉल हैं, और इसका उद्देश्य ही है जो इंडियन कोस्ट गार्ड है पश्चिमी तट की सुरक्षा करना। क्वाड जो अभ्यास हो रहा है वो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA के बीच होता है। पहली बार इसका जो होस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया बना है। जायद तलवार भारत और UAE के बीच होता है। और कुछ अभी ये ऑपरेशन देख लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ऑपरेशन करुणा जो चला था वो म्यांमार के लिए चला था। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, इसमें जिस जहाज़ का यूज़ किया गया था वो INS सुमेधा है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चला था भारतीयों के लिए। ऑपरेशन जीरो आवर 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी उसी को हम लोग जीरो आवर कहते हैं। ऑपरेशन मेघदूत ये सियाचिन में प्रारंभ किया गया जो कि 1984 में किया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया है उसमें रात के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है ये एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लेना। ये ग्राफ जो है पूरा वो अपने दिमाग में बसा लेना। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की अत्रियापुरम पुथारे कुल मिठाई को GI टैग मिला है? तो ये एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अत्रियापुरम
पुथार कुल क्या है, तो ये एक मिठाई है, ठीक है। और ये कहाँ की है जिसको जीआई टैग मिला है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। ये एक सोन पापड़ी है, जो कि सोन पापड़ी इसको मुंह में ही रखते ये बिल्कुल इतनी पिघल जाएगी कि पानी पानी हो जाएगी। जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। 1999 एक्ट के तहत इसकी स्थापना करी गई। ये जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ये जो है 10 साल के लिए दिया जाता है जीआई टैग। कम्बम अंगूर जो है तमिलनाडु का, जिसको जीआई टैग दिया गया। बसोली पेंटिंग, जो कि आपको याद ही हो चुका होगा, इतना बार कराया जा चुका है, जम्मू कश्मीर की है। सुंदरजा आम मध्य प्रदेश के रीवा का है। और काली मिर्च ओडिशा की है। काला चावल मणिपुर का है, जिसको इन सबको जीआई टैग अभी रिसेंटली दिया गया है, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको तैयार कर लेना अच्छे से। 7वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड पांडा दिवस जो है सितंबर माह के जो तीसरा शनिवार पड़ता है, इसकी कोई डेट डिसाइड नहीं है, तो जो सितंबर माह का तीसरा शनिवार पड़ेगा यानी 16 सितंबर को, तो उस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है रेड पांडा, मतलब इसी में ही रेड पांडा क्यों है, क्योंकि ये विलुप्त कगार पे है, ठीक है। रेड पांडा जो है इसकी सुरक्षा क्यों की जा रही है, क्योंकि विलुप्त की कगार पे है, इसीलिए इसका संरक्षण जरूरी है। और ये जो है बांस के पेड़ पे रहते हैं, क्योंकि वनों का देखो कटाव हो रहा है, वन कट रहे हैं, तो इनका रहना वहना मुश्किल हो रहा है, ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनका संरक्षण अनिवार्य हो गया है। और ये रहते कहाँ पे हैं, जहाँ पाए जाते हैं पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र, वहाँ पर नेपाल चीन आदि स्थानों पर ये पाए जाते हैं। पांडा किसका लोगो है, तो जो WWF संस्था है उसका ये लोगो है पांडा। इसकी स्थापना जो हुई थी WWF की, वो 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड बम्बू डे, बम्बू बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो लाडली बहना आवास योजना, इसका शुभारंभ जो है कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम, वहाँ पर किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम 17 सितंबर को किया गया 2023 को। क्यों? क्योंकि महिलाओं को आवास प्रदान करना है, ठीक है। जो आवास योजना चली थी उसके तहत जिन लोगों को आवास उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, उसके बाद इसके तहत सबको आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। किनको? जिनकी आय, वार्षिक आय जो है 12,000 से कम होगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली सौर सिटी सांची है। फर्स्ट यूनिटी मॉल कहाँ पे ओपन हुआ है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, तो ये इंदौर में हुआ है। 9वां क्वेश्चन है, सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो ये पायल छाबड़ा जो है, ये जो है महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बन चुकी है। और ये जो है कहाँ की है, हरियाणा में एक स्थान पड़ता है जिंद, ये वहाँ से हैं। इन ये अभी इससे पहले लद्दाख का जो खारदुंगला था वहाँ पे ये तैनात थी, ये हैं पायल छाबड़ा। अब ये जो वोमेंस हैं, महिलाएं, ये इम्पोर्टेंट हैं सारी, तो इनको देख लेते हैं। शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला हैं। क्रिस्टीना को जो है चांद पर जाने वाली पहली महिला आर्टेमिस मिशन के तहत। दीपिका मिश्रा एयरफोर्स में जो है वीरता पुरस्कार मिला है, जो कि पहली महिला है। सुरभि जखमोरा जो है भूटान में तैनात होने वाली पहली महिला है। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है। और सरोजनी नायडू जो है ये भारत की पहली महिला राज्यपाल है। और साथ में इन्होंने, अगर पूछता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय में ये आएगा। और वैसे पूछता है कि पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट थी। 10वां क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम संविधान सदन रखा गया है। जो पुराना संसद था उसकी जो तैयार हुआ है, ये 1927 में तैयार हुआ था। 21 से शुरुआत हो गई थी, तो 1927 में तैयार हो गया था। इसके जो वास्तुकार थे वो लुटियन स्पीकर थे, और ये जो है गोलाकार आकृति में था, और इसको शुरुआत में काउंसिल हाउस कहते थे। जो नया संसद भवन है वो 28 मई 2023 को तैयार हुआ। इसका उद्घाटन किया गया, इसी दिन वीर सावरकर की जयंती होती है। ये जो है त्रिभुजाकार आकार में है, इसमें 3 मुख्य द्वार हैं। लोकसभा के सदस्यों का इसमें जो सीटें हैं वो 8-8-8 हैं, और राज्यसभा से 3-8-4 हैं, और इसमें कुल सीटें जो हैं 1272 हैं। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 जो अभी लैंड किया है जहाँ पे, वो पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे आगे से। नेक्स्ट है 11वां, SBI ने जो है NRIs, NRI और NRO के लिए
जो है कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो SBI ने लॉन्च किया है। अब हम लोग कल की क्लास का रिविज़न कर लेते हैं, फटाफट से हो जाएगा। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 23 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें भारत को शीर्ष स्थान मिला है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल वो शांति निकेतन है। 42वां अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, हौसल मंदिर। तीसरा है प्रतिवर्ष बांस दिवस, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाते हैं। भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रायोजन अधिकार किसे मिले हैं? तो इंडिया ऑयल को मिले हैं। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB साथी पहल किसने लॉन्च करी है? तो ये इंडियन बैंक ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग OTG किसने लॉन्च की है? तो NPCI ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस IIT के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो IIT गुवाहाटी के जो शोधकर्ताओं ने इसको चाय फैक्ट्री को जो है कचरे फार्मा में बदला है और वेस्ट टू वेल्थ इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट है स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? तो अभी रिसेंटली ममता जी जो हैं वो गई थी स्पेन, तो वहाँ पे समझौता हुआ है। और ये कहाँ पे स्थापित करेंगे? तो पश्चिम बंगाल में स्थापित करेंगे। नेक्स्ट है चर्चा में रही गिफ्ट एड डीड योजना का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। अगला है आखिरी आज का, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना LA CMI को मंजूरी दी है? तो ये जो है राज्य सरकार को, वो ओडिशा सरकार को दी गई, ओडिशा राज्य सरकार को दी गई है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में।